बहुत ज़्यादा भीड़ है, प्रसाद के दुकान लगे हुए हैं। यहाँ से चले तो भाई यहीं पे जूते चप्पल छोड़ते हैं, फिर दर्शन की बनी हुई है दीवारों में, देखो इतना खूबसूरत खूबसूरत डिजाइन है। गाइस वेलकम बैक, मैं यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स रोड पे फिर से आप सभी का स्वागत है। गाइस तो अभी मैं आप लोगों को लेके जाने वाला हूँ दुर्ग का सबसे फेमस मंदिर चंडी मंदिर। आप में से बहुत सारे भाई बहन रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अभी नवरात्रि चल रहा है तो माता रानी का दर्शन कराइए करके, तो चलिए चलते हैं और आप लोगों को बाई रूट थोड़ा सा बतलाते हुए चलो। इस तो अभी मैं जुनवानी होते हुए जा रहा हूँ, ये क्या मेरे घर के पीछे साइड पड़ता है तो यहीं से मैं जा रहा हूँ। एक तो है अपना हाईवे सुपेला तरफ से, तो सुपेला तरफ से तो मैं आना जाना करते ही रहता हूँ। इस वाली रूट से चलेंगे, ये सीधा सीधा रूट लेके जाती है स्मृति नगर होते हुए। ये भी दिखलाने थे जुनवानी में, देखो कितने सारे यहाँ पे ढाबा खुले हैं यहाँ पे, तो यहाँ का अपन फ्रोडी व्लॉग में व्लॉग बनाएंगे खाने पीने से रिलेटेड। अगर यहाँ का व्लॉग देखना है तो जितना ज़्यादा हो सके अपना कमेंट छोड़िएगा। एक से एक चीज़ देखने को मिल रहा भाई इस वाले एरिया में। ये सीधा लेके जाएगी अपना सूर्या मॉल। ये एरिया बहुत ज़्यादा तेज़ी से डेवलप हो रहा है। एक रूट तो अपन नरू नगर होते हुए जा सकते हैं, देन अपने को सीधा ही चलना है। गाइस देखो यहाँ का चहल पहल, यहाँ पे शाम को देखो अच्छा खासा यहाँ पे माहौल रहता है। हम लोग भी कभी कभी शाम को आते हैं यहाँ पे चाय नाश्ता करने के लिए, लेकिन आज तक मैं कभी व्लॉग नहीं बना पाया। देखो कितना अच्छा माहौल है यहाँ पे। देन ये सूर्या मॉल, इंदिरा मार्केट, यहाँ से अपने को राइट लेना है मंदिर के लिए। आप चाहे तो आगे तरफ से भी जा सकते हैं, बहुत सारे मंदिर हैं जिसको अपन दर्शन करते हुए चलेंगे। ये देखो बजरंगबली जी, जय बजरंगबली। अगर आप मार्केट तरफ से आएंगे तो ये वाली रूट है, और जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ से शॉर्टकट है। देखो कितना ये भीड़ भाड़ रहता है ये वाला एरिया, यही सीधा सीधा लेके जाएगी चंडी माता मंदिर के लिए। सामने में एक और मंदिर है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, प्रसाद के दुकान लगे हुए हैं, पंचमुखी हनुमान जी, तो दर्शन कराते हैं आप लोगों को दूर से ही। बहुत बड़ा बजरंगबली जी है यहाँ पे। चलो सीधा ही सीधा है चंडी मंदिर, वो नज़र आ रहे हैं, देखते हैं कितना भीड़ है भाई साहब। लोग तो आए हैं, यहाँ से चालू हो जाते हैं प्रसाद की दुकान। बस वही है गाड़ी रखने की समस्या है यहाँ पे, देखना पड़ेगा कहाँ पर अपन गाड़ी रख सकते हैं। बाकी भक्तगण तो आए हैं भाई वहाँ दूर दराज से दर्शन करने के लिए। हमारे दुर्ग का एक लौता चंडी मंदिर है ये, और बहुत फेमस मंदिर है ये। जय माता दी। गाइस तो हम फाइनली पहुंच चुके हैं चंडी माता के दरबार में, और यहां पे देखिए कितना ज़्यादा क्राउड है भाई साहब। मतलब ये सिंगल रूट है, ये वाली सीधा वाली जो रूट है सीधा लेके जाए थी नागपुरा के लिए, और यहीं से आप सीधा सीधा जा सकते छातागढ़ के लिए। तो चलिए अंदर चलते हैं, और यहां पे बहुत सारे शॉप लगे हुए हैं दिखलाते हैं। तो देखो कितना खूबसूरत ये मंदिर है, लाइटिंग से जगमगाता हुआ अपना चंडी मंदिर दुर्ग का। और देख लो इतने सारे पब्लिक हैं जो यहाँ से डेली आना जाना करते होंगे। अंदर चलते हैं माता का दर्शन करेंगे, बहुत खूबसूरत ये मंदिर है। तो द्विवेदी भाई तो पहले से व्लॉग बना लिए, तो अपन चलते हैं गाइस। अच्छा यहाँ से चले तो भाई, गाइस तो देखिए यहाँ पे इतने सारे दुकानें लगे हुए हैं प्रसाद नारियल के, देखो किस तरह से हम लोग जा रहे हैं। पूरी गाड़ी फंसी हुई है भाई साहब, सामने में है माता का दरबार और ये नारियल के दुकान है। हालांकि यहाँ पे सीढ़ी नहीं है, लेकिन ये आप लोगों को पार करके जाना पड़ेगा। देखो भाई साहब किसी को पार करने के लिए आगे जगह नहीं है भाई, एक सेकंड भाई। तो भाई साहब इसको पार करने में अपने को 10 मिनट लग गए, बाकी देखिए कचाकच भीड़ है भाई, आधा से ज़्यादा तो ट्रैफिक है यहाँ पे। मंदिर देखे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे दुकानें लगे हुए हैं जहाँ पे आप प्रसाद वगैरह ले पाएंगे, और मंदिर सामने में है मंदिर। तो चलिए माता का दर्शन करेंगे अपन। तो गाइस अपने को यही बाहर में जूते चप्पल छोड़ने पड़ेंगे। अरे भाई अपने को भी जाने दो बाबा, बुढ़िया सबको पैसा दे रही है।
पे जूते चप्पल छोड़ते हैं फिर दर्शन करते हैं। तो गाइस देखो हम लोग वहाँ से आए हैं, देन ये है सामने में मंदिर। तो मंदिर की बनावट देखिए भाई साहब, कितना खूबसूरत सा इसमें आकृति बनी हुई है मंदिर के चारों तरफ। तो आप लोगों को दिखलाते हैं, बहुत प्यारे प्यारे आकृति बने हुए हैं, ये देख रहे हैं भाई साहब, क्या बात है भाई, गजब तो बनावट है ये। और ये हमारे दुर्ग में है, सोच सकते हो दुर्ग इतना खूबसूरत सा मंदिर है। ये देखो भक्तगण सब आए हैं दर्शन करने के लिए। तो चलिए अंदर चलते हैं, अंदर भी बहुत खूबसूरत सा बना हुआ है, तो वहाँ से चलना है, यहाँ से दर्शन करेंगे अपन। घूम कर दिखलाता हूँ आप लोगों को मंदिर, चंडी माता मंदिर है। देन यहाँ पे कलश भी हैं, तो ज्योति कलश दिखलाएंगे आप लोगों को। दर्शन करने के लिए माता जी का, आपको मैं घर बैठे दर्शन कराता हूँ। यहाँ से भी अपन दिखा सकते हैं, बहुत खूबसूरत सा ये मंदिर है, देख ही रहे हैं आप, चंडी मंदिर। यहाँ पे प्रसाद वितरण हो रहा है, घर बैठे दर्शन करिए गाइस माता रानी का। जो भी आपकी मनोकामना है माता रानी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे। और मंदिर की सजावट देखिए, खूबसूरत डिजाइन है यहाँ पे, बजरंगबली जी है, शंकर भगवान है, देखते जाइए बहुत प्यारे प्यारे हैं यहाँ पे, दुर्गा माता। यहाँ से आए गए सफर और यहाँ पे में जोत जलाया गया है, तो जोत का भी अपन दर्शन कर लेते हैं। बाकी दीवारों में आप देख रहे हैं बहुत सारे माता भगवान जी बने हुए हैं, तो देखने लायक है भाई। ये देखो यहाँ पे इतने सारे जोत जल रहे हैं, अरे भाई साहब यकीन नहीं होता भाई कि अपन दुर्ग में है इतने सारे जोत। बहुत गर्मी लग रही है, तो जोत का भी आप घर बैठे दर्शन करिए, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, आप भी घर बैठे दर्शन करिए। यहाँ पर है मंदिर, लाइन से जल रहे हैं जो, तो अपन अब बाहर निकलते हैं, जो बचा रह गया वो देखते हैं, इधर तो कुछ नहीं है। तो गाइस हम लोग बाहर निकल चुके हैं, यहाँ भी पूजा अर्चना भी चल ही रहा है, आरती वगैरह। तो देखो इतने सारे भक्तगण आए हैं चंडी माता मंदिर में दर्शन करने के लिए, और हमने तो दर्शन कर लिया है, जाते जाते आप लोगों को दूर से एक बार मंदिर दिखला दूंगा। अच्छा माहौल है यहाँ पे, हमने जूते चप्पल वहीं पर छोड़ दिए हैं, तो वहीं पर जाना पड़ेगा। बाकी देखो मंदिर इतना खूबसूरत सा ये मंदिर है, बहुत प्यारा मंदिर भाई। लेकिन पूरे मंदिर के आइड साइड में हाथी भगवान माता रानी सब बने हुए हैं,
माता रानी का दर्शन कर लिए हैं और ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। और अमन भाई का ब्लॉग चैनल है, इनको सपोर्ट करिएगा। क्या कर रहे हो भाई भी आ गए और भैया लाइफस्टाइल ब्लॉग भी बनाते हैं, लाइफस्टाइल एंड फूडी ब्लॉग्स को आप जाके देखो। मेरे चैनल का नाम है विजय लाइफस्टाइल ब्लॉग। मेरा भी लाइफस्टाइल ब्लॉग का चैनल चालू हो चुका है। अब इस यूजल में तो आप जाते हो फर्स्ट नंबर चैनल है मेरा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं।